27 जुलाई को नागपुर के रामदास पेट स्थित तुली इंपीरियल में LGBTQ+ मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का संचालन द हमसफर ट्रस्ट और नेट्रीज द्वारा किया गया। इस वर्कशॉप की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से हुई। LGBTQ को लेकर जनता में पैदा हुए भ्रम के बारे में इस वर्कशॉप में खुलकर चर्चा की गई। उस दौरान LGBTQ के मुद्दों पर LGBTQ के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी वहां पर मौजूद पत्रकारों से खुलकर बातचीत की गई। जहां उस मौके पर द हमसफर ट्रस्ट से नितेश चोपड़े और सारथी ट्रस्ट से निकुंज जोशी मौजूद थे। या लिंग है ही नहीं, या एक लिंग फुल्ली डेवलप है, एक हाफ डेवलप है, या जहां सिचुएटेड होना चाहिए लिंग वहां ना होके शरीर के अन्य भाग पे है, ऐसे बच्चों को हम लोग इंटरसेक्स बोलते हैं। अगर आप LGBT कम्युनिटी के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ऐसे कौन से वर्ड है जो आपको यूज करना चाहिए, जो ऐसे कौन से वर्ड नहीं है जो नहीं यूज करना चाहिए, अल्टरनेट वर्ड्स क्या है? अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो आपके एरिया में जो CBO काम कर रहे हैं, आपके एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करना है उन तक रीच आउट कीजिए, उनके भी बाइट्स लीजिए। तो इट्स अ रेफरेंस मैनुअल फॉर मीडिया पर्सन जो कि 5 languages में अवेलेबल है निकुंज, एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसफर के वेबसाइट पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आप सभी को प्लीज रेकमेंड करूंगा कि आप संचार मैनुअल को कीजिए। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो यूनक जो वर्ड है जो कि ट्रांस या हिजरा कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता है वो काफी ऑफेंसिव वर्ड है। यूनक वर्ड जो है प्लीज आप आपके रिपोर्टिंग में मत यूज कीजिएगा। मेरा नाम मोहिनी है और मैं भी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और साथ ही ट्रस्ट में काम करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में कुकरी कंपटीशन भी हुआ था, उसमें मैं विनर हूँ और इवन दो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 15 ट्रांसजेंडर मेरे अंडर है जो मैं एक प्रोफेशनल डांसर होने के नाते ट्रांसजेंडर को देखने का नज़रिया मैं चेंज करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं कि बेगिंग में ही देखा जाता है ट्रांसजेंडर लोगों को, या फिर कहीं भीख मांगते हुए या फिर कहीं बधाई तोड़ते हुए, पर मैं एक ऐसा मैंने देखा, एक क्वालिटी हम लोगों में ऐसी देखी कि हम बहुत क्रिएटिव है या तो फिर ऐसी पर्सनालिटी है कि लोग देखते ही है। तो जब देखते हैं तो हमें एक टैलेंट है डांस का, तो वो एक माध्यम बना। उसमें माननीय नितिन गडकरी जी है जो हमें सबसे पहला चांस मिला हमें खासदार महोत्सव से, तो उन्होंने ऐसा लेटर भी दिया है कि सभी जितने भी मिनिस्ट्री लेवल के या गवर्नमेंट लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ट्रांसजेंडर ये जो 15 ग्रुप है मुद्रा ग्रुप उनको सपोर्ट किया जाएगा। सो एक कहीं ना कहीं एक पहल, एक ना एक एक शुरुआत हुई है जो लोगों ने अलग से देखना चालू किया है कि आज तक इंस्टाग्राम में वो बस बन गए पिंकी पोंकी कुछ बन गए और फिर सामने आ गए, लोगों ने कुछ कमेंट कर दिए, तो वो पॉजिटिव कमेंट जो थे ना वो हमने लाइव लोगों के सुने या देखे। मीडिया में LGBTQ कम्युनिटी के लिए ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और स्टोरीज एक रिस्पॉन्सिबल वे में रिपोर्ट नहीं किया जाता है। तो आज का हमारा विषय है कि हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली अपने पार को यूज़ करें, अपने प्रिविलेज को यूज़ करें और मीडिया में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें और सेंसिटिवली ये कम्युनिटी इश्यूज़ पर बात करें। हर किसी की अपनी सेक्सुअलिटी होती है और हर किसी का अपना जेंडर होता है। हमारा सिर्फ यही बोलना है कि किसी की भी कोई भी जेंडर हो या कोई भी सेक्सुअलिटी के हो उसे एक समान अधिकार मिले और उसे भी इक्वल राइट्स मिले और उतनी डिग्निटी के साथ रहे। और चाहे कोई भी, चाहे लेस्बियन हो, कोई गे हो, बायसेक्सुअल हो, कोई ट्रांसजेंडर हो, उसे भी इतना समाज में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके लिंग या लैंगिकता के आधार पर, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए।